भारत बनाम आयरलैंड के बीच दो मुकाबलों की T20 सीरीज की शुरुआत आज से होगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। वहीं टीम इंडिया डबलिन पहुंच गई थी। बता दें कि पांड्या की कप्तानी में भारत पहली बार आयरलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी के सवाल पर हार्दिक पांड्या ने दिया जवाब। हार्दिक पांड्या ने बताया कि एक कप्तान के तौर पर जब भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाया है और आगे भी मौका मिलेगा तो अच्छा करने की कोशिश करूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए। इसकी जानकारी BCCI ने ट्विटर के जरिए दी। साथ ही बताया कि कप्तान रोहित शर्मा फिलहाल टीम होटल में आइसोलेशन में है और BCCI की मेडिकल टीम देखरेख कर रही है। संजय मांजरेकर का बड़ा बयान, जडेजा को T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलना मुश्किल। मांजरेकर का कहना है कि उनके ऊपर दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल हैं। वहीं टीम में हार्दिक पांड्या की भी वापसी हुई है। साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज की स्टार जोड़ी अगले महीने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 4 सदस्यीय भारतीय तैराकी टीम का नेतृत्व करेगी। इनके अलावा दिल्ली के तैराक कुशाग्र रावत और मध्य प्रदेश के अद्वैत पेज 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इन खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को अमेरिका रवाना होंगे। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता ने कहा कि जब वो बाहर अभ्यास करते हैं तो उन्हें अभ्यास के लिए बेहतर साथी मिल जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पुर्तगाली फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो के प्रतिद्वंदी फुटबॉलर 35 वर्षीय अर्जेंटीना के लियोनल मेसी उनके आसपास भी नहीं है। 37 वर्षीय रोनाल्डो को एक महीने में 1.10 करोड़ बार तो मेसी को 45 लाख बार सर्च किया जा रहा है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्लेड।